भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने कल इस राज से पर्दा हटा दिया कि क्यों उनके पास कोई गर्लफ्रेंड ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। जी हाँ, कल ऐसा कुछ हुआ जहां पवन सिंह ने अपने दिल के कई राज खोले। आपको बता दें कि काजल राघवानी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लाइव आई थी और उन्होंने कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें पवन सिंह से की। वैसे ये जो आजकल काजल राघवानी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लाइव आ रही हैं और बैक टू बैक भोजपुरी के बड़े से बड़े सितारों के साथ कुछ खट्टी मीठी बातें कर रही हैं, जैसे कि इस प्रोग्राम का नाम ही है कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें, तो यहाँ कल उनके साथ पवन सिंह लाइव आए थे। तकरीबन 2 घंटे लाइव रहने के बाद कई बातों का खुलासा किया, जैसे कि बचपन में उन्हें क्यों हनुमान कहा जाता था। उन्होंने कहा था कि तब वो इतने मोटे हुआ करते थे कि उनकी चिन और गर्दन एक हुआ करती थी। वो मोटे थे इसलिए लोग उन्हें हनुमान कहा करते थे। साथ ही साथ पवन सिंह ने कई बातों का जिक्र किया, जैसे कि कैसे उनकी पहली फिल्म बनते बनते अधूरी रह गई। और वहीं चैट शो में पवन सिंह ने इस बात का भी खुलासा किया कि क्यों उनके पास कोई भी गर्लफ्रेंड ज़्यादा देर तक नहीं दिखती। जब काजल राघवानी ने पवन सिंह से पूछा कि आपका पहला प्यार या आपका पहला क्रश कौन था, तब पवन सिंह ने बातों को घुमाते हुए कहा कि वो तो मेरी माँ है और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बाद ही दुनिया में मैं किसी और को चाहता हूँ। तब काजल राघवानी ने ये कहा कि बात को मत घुमाइए, आप ये बताइए कि आपकी पहली गर्लफ्रेंड कौन थी। तब काजल राघवानी की बातों को टाल नहीं पाए पवन सिंह और उन्होंने कहा, जब मेरे भाई की शादी हुई थी तब उन्हें दहेज में राजदूत मिली थी और उसे सीखने के चक्कर में मुझे बहुत मार पड़ती, लेकिन ये सब मैं एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा था। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ इस फीलिंग का, यानी कि तब मुझे ऐसा लगा कि लाइफ में ऐसी कोई फीलिंग भी होती है और मैं उससे आई लव यू सुनने के लिए बेकरार हो उठा। आपको बता दें कि पवन सिंह ये बातें करते करते कई बार हंस पड़े। उन्होंने ये बताया कि मैं उसके प्रति इतना डेडिकेट था कि उसके लिए मैंने राजदूत भी सीखी और अपने चाचा से बहुत मार भी खाई, लेकिन एक रोज मुझे पता चला कि वो किसी और की हो गई, यानी कि वो किसी और के साथ भाग गई। पवन ने ये बात ख़त्म करने के बाद बहुत देर तक हंसे और ये कहने लगे कि कई बार मेरा नाम लोगों के साथ ऐसे ही जुड़ जाता है जैसे कि मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, बस मैंने 2 क्षण उसके साथ बात क्या कर ली, लोग मेरा उसके साथ अफेयर जोड़ देते हैं। रही बात मेरे गर्लफ्रेंड रखने की या गर्लफ्रेंड होने की, तो वो उम्र अब बीत चुकी है। बात गर्लफ्रेंड होने की तो ये सब बीती बातें हो चुकी हैं। तो यकीन है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।